हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है एंड आप सभी लोगों को दिल से नमस्ते। और अभी है सुबह का समय, सुबह का 7 बजने वाला है और अभी मैं बनाऊंगी मेरे बाबू के लिए नाश्ता और टिफिन। मैं सोची थोड़ी देर आप सभी लोगों से बातें करूं। और आज भी पता नहीं बारिश आ सकता है आप लोगों को बैक कमरा से। देखिए मौसम, सूरज भगवान को दर्शन कर लीजिए। आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, मौसम देखिए कैसा है। बोल नहीं सकते मौसम का, हमारे इधर कभी भी बरस जाते। सो गाइस, अभी मैं इधर आ गई हूँ किचन में क्योंकि बाबू के लिए बनाना है टिफ़िन और नाश्ता, दोनों एक ही साथ बनाती हूँ बाबू के लिए। और उसके बाद फिर बाबू को जब स्कूल छोड़ के आती हूँ उसके बाद फिर हम लोग के लिए बनाती हूँ। और आज है 7 सितंबर और बार है बुधवार और आज है मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे। और मैंने सुबह ही पोस्ट किया था तो आप लोगों ने देखा और विश किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों ने विश किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों ने बर्थडे विश किया और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। और आप सभी लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। और इधर मैं आटा को चाल रही हूँ क्योंकि खुला आटा है ना, तो इस आटा को चाल के ही मैं बनाती हूँ। पैकेट वाला आटा हम लोग उतना नहीं खाते हैं तो ये खुला आटा अच्छा लगता है। और आटा में थोड़ा सा मैंने नमक मिक्स किया है और थोड़ा सा अजवाइन, और उसके बाद ना मैं आज बनाऊँगी चीला। तो हम लोग बोलते हैं बाबर रोटी बोलते हैं इसे। तो पूरा गीला कर लूँगी आटा को, अच्छे से गीला कर लूँगी। तो थोड़ा सा नाश्ते में बना के दूँगी और उसके बाद टिफ़िन में यही दूँगी और अंडा का फ्राई दूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और आज मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, मॉर्निंग से ही। और ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इधर मैं आटा को अच्छे से मिला ली हूँ और तवा गर्म हो गया है, थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ तवा में और चारों तरफ से इस तरीके से फैला दी हूँ ऑयल को। और अभी मैं एक चम्मच के मदद से आटा, जो आटा का घोल है, तवा में डालूँगी और हाथ से ही गोल करूँगी। सुबह इस बाबू को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और मेरा जो सुबह का जो काम होता है ना, क्लीनिंग का, साफ सफाई का काम, तो अभी मैं कर रही हूँ। चाय वगैरह पी ली हूँ और ये इधर रूम थोड़ा सा साफ करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता।
सो गाइस, उधर का बेड शीट यानी कि बेड साफ़ करने के बाद ये जो टेबल है, टेबल को भी अच्छे से झाड़ के साफ़ करूँगी। थोड़ा सा गंदा हो गया है और कुछ कपड़ा बिछा दूँगी ताकि गंदा ना हो। तो कपड़ा बिछाने से ये होता है ना कि उठा के हम धो सकते हैं। तो जो पर्दा का कपड़ा था ना, उसी को मैं टेबल में बिछा दूँगी। और उधर चेयर में आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारा चीज़ है, वो टेबल में था, उसे मैं सेट करूँगी, बाहर रखूँगी। जो ड्रेसिंग टेबल है उधर ही रखूँगी। और मेरा ये मेकअप का चीज़ है, चूड़ी वगैरह बिंदी वगैरह है उस डिब्बे में जो चेयर के ऊपर है, चेयर में है। तो इधर पर्दा है ये, तो टेबल क्लॉथ बना ली हूँ कुछ समय के लिए और रूम झाड़ू लगा ली हूँ। रूम साफ करने के बाद अब मैं बना रही हूँ चाय, लाल चाय। जो काम करने वाले लोग आए ना, तो उनको थोड़ा सा चाय देना था, तो आज थोड़ा सा दूध नहीं था, कम था, तो इसी वजह से लाल चाय बना के दे रही हूँ। अदरक, तेज़पत्ता और इलायची डाली हूँ। लाल चाय में भी बहुत इस तरीका का मसाला वगैरह डालने से ना बहुत टेस्ट लगता है खाने में। और थोड़ा सा नमक भी डालती हूँ, चीनी भी डाल दी हूँ। और इधर हमारा चाय बन के रेडी हो गया है और उन लोगों को दूंगी मैं अभी। सो गाइस, अब मैं इधर आ गई हूँ किचन को, यानी कि किचन में रूम है। तो ये जो बेड है, इसका भी बेड शीट झाड़ के बिछाऊंगी और किचन को भी अच्छे से साफ करूंगी, यानी कि रूम को भी अच्छे से साफ करूंगी। और उधर बर्तन धो के रखा हुआ है, आज मम्मी जी धो दी हैं बर्तन, बहुत सारा था बर्तन। और इधर मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम कर रही थी। और सुबह का काम है ये, सुबह का समय का क्लीनिंग का काम है, सुबह का यही रूटीन होता है मेरा सुबह सुबह का। तो चलिए गाइस, मैं इधर का थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों से। उस साइड का साफ़ कर ली हूँ और थोड़ा सा सेल वगैरह को भी साफ़ करूँगी, गैस चूल्हा को साफ़ कर ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ गैस लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो गाइस, अभी है शाम का समय, शाम का 5:30 हो रहा है और हम लोग गए थे मार्केट।
हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। अभी हो रहा है शाम का समय और अभी अभी मैं दिया बाती की हूँ, यानी कि शाम का पूजा की हूँ और थोड़ा सा प्रसाद भगवान को चढ़ाई हूँ, क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे। तो सुबह ही मैं पोस्ट की थी और आप सभी लोगों ने विश किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों ने मेरे हस्बैंड को विश किया, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग हमेशा खुश रहिए, बस यही दुआ करती हूँ मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, सब लोग खुश रहे, बस अच्छा लगता है ना। और भगवान को प्रसाद चढ़ाई हूँ, उसके बाद अभी हम लोग भी खाएंगे। और मुझे ना जैसे कुछ भी हो, त्यौहार हो, ऐसे हैप्पी बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो त्यौहार, खासकर त्यौहार में, हैप्पी बर्थडे में मुझे खीर बनाना बहुत पसंद है। खीर भी एक मीठा होता है तो अच्छा लगता है, तो दूध लेकर आई हूँ, अभी बिठाऊँगी, खीर बनाऊँगी और उसके बाद जब खीर हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग सब लोग मुँह मीठा करेंगे, हैप्पी बर्थडे का मिठाई खाएंगे। और केक लेकर आई हूँ, पीस पीस वाला केक लेकर आई हूँ, तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ खीर और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी। आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग भी आ जाइए हैप्पी बर्थडे केक खाने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में खीर बनाने के बाद। तो इधर हो गया है केक कटिंग, थोड़ा रखा हुआ है चॉकलेट। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इधर मैं खा रही हूँ मिठाई, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए और मुँह मीठा कीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।